नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में माघ माह में आने वाले संकट चौथ को तिलकुटे की चौथ भी कहा जाता है। इस चौथ का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस साल संकट चौथ का व्रत 31 जनवरी को है। वैसे तो संकष्टि चतुर्थी का व्रत हर महीने होता है, लेकिन माघ माह में पड़ने वाले संकष्टि चतुर्थी की महिमा सबसे अधिक बताई गई है। तिल चौथ का यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उन पर आने वाली सभी बाधाओं को भगवान गणेश स्वयं भी दूर कर देते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके लाल वस्त्र को धारण करें। उसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। पूजा के वक्त माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य रखें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। रात में चंद्रमा को अर्घ दें, फिर गणेश जी की पूजा करें, फिर भोग को ग्रहण करें। इस दिन भगवान गणेश को तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़ के मिश्रण से तिल कुट्टे को तैयार किया जाता है और उसका भोग भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इस दिन पूजा करते समय गणेश भगवान के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ओम गण गणपते नमः। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ ही भगवान गणेश जी की आरती भी की जाती है। आइए मित्रों, अब हम आपको सुनाते हैं संकट चौथ से जुड़ी हुई पुरानी कथा। इस दिन भगवान गणेश ने अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई थी तो उन्होंने दरबार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए उन्हें कहा। जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की हट करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। आइए मित्रों, अब हम आपको सुनाते हैं संकट चौथ की दूसरी कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उन दोनों में से कोई भी धर्म और पुण्य व्रत आदि कोई भी काम नहीं करता था। उनके कोई भी संतान नहीं थी, सो वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की पूजा करके कहानी कह रही थी तो यह देखकर साहूकारनी उसके पास गई और बोली, तुम यह कौन सी पूजा और व्रत और कहानी बोल रही हो? यह सुनकर पड़ोसिन साहूकारनी से बोली, आज चौथ का व्रत है, सो हम बाकी कहानी कह रहे हैं। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, चौथ के व्रत करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुन साहूकारनी बोली, अब मैं भी अभी से ही यह चौथ का व्रत करूंगी और तिलकुट्टा भी बनाऊंगी। और इसी तरह चौथ माई की कृपा से साहूकारनी तभी से यह करने लगी। फिर बोली, यदि मेरे लड़का होएगा तो मैं ढेर सारा तिलकुट्टा बनाकर भगवान को भोग लगाऊंगी। फिर उसे लड़का हुआ और फिर वह बोली, हे चौथ माता, जब मेरे लड़के का विवाह हो जाएगा तब मैं सवा मन को तिलकुट्टा का भोग लगाऊंगी। अब वहाँ के बेटे को विवाह भी पक्को हो गयो। सब लोग खूब धूमधाम से बारात लेकर बेटे का ब्याह करके सज धज कर गए। तब चौथ माता और गणेश जी आपस में बतराने लगे और कहने लगे, साहूकारनी ने बोला था जब बेटा हो जाएगा, और अब बोली थी जब बेटे का ब्याह हो जाएगा तब भोग लगाऊंगी। साहूकारनी ने अपना सब काम हमसे करा लिया। ये ठगनी बोल बोल रही है, अभी तक ना हमारो व्रत कियो ना तिलकुट्टा ही लीक कियो। सो अब जाके हमें अपनो परचो दिखानो चाहिए, नहीं तो हमें कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। ऐसा विचार कियो सो अब बाके बेटे को फौरन समय उठाकर ले चालनो चाहिए। बेटा के 3 फेरों हो पड़ने के बाद वह चौथे फेरे में चौथ माता
साए साए आंधी के रूप में आई और लड़के को उठाकर लेकर चली गई। तब गणेश जी ने बेटे को एक पीपल के वृक्ष पर बिठा दियो। यह कोई को भी दिख नहीं पा रहा था। अब तो वहां फेरे में हाहाकार मच गया कि लड़का कहाँ चला गया। सब लोग उसको बहुत ढूंढने लगे, पूरे दिन उसको ढूंढने में लग गए, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद लड़कियां गणगौर पूजन के लिए गांव के बाहर धूप लेने के लिए गई और वहां पर एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, ये मेरी अध ब्याही है। यह बात सुनकर लड़की दौड़कर अपने घर आ गई। लड़की ने सारी बात घर आकर माँ को बताई। फिर माँ अपनी बेटी को लेकर वापस पीपल के पेड़ पर गई और वापस से पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आई, आप मेरी अध ब्याही है। और उस आदमी ने वैसे ही कपड़े पहन रखे थे और वहीं से ही मेहंदी लगा रखी थी और सहरा भी बांध रखा था। अब माँ उसे झटपट पहचान गई कि यह तो मेरा ही जमाई है और वह बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने मेरी बेटी को अदब्याही क्यों कर दिया है? अब वह यह भी कहने लगी और यह सुनकर वह पेड़ बोला, मैं तो ज्योत माता और गणेश जी की शरण में पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टे बोला था सो अभी तक नहीं किया, जिस कारण से ज्योत माता और गणेश जी दोनों नाराज हो गए हैं, सो उनको मनाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उसी वक्त उसकी छोरी और माँ दौड़कर लड़के की माँ के पास गए और पूछा कि तुमने गणेश ज्योत को क्या कुछ बोला था? यह सुनकर साहूकारनी बोली, मैंने तुलकुट्टा बोला था, वह नहीं किया। साहूकारनी बोली, हे ज्योत माता, मेरा बेटा बहू जहाँ पर भी हो उसे घर लेकर आ जाए, मैं 2.5 मन को तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। तब लड़की वाले ने पीपल के पेड़ के पास जाकर उसे 2.5 मन के तिलकुट्टा बोल दियो। यह सुनकर गणेश भगवान और ज्योत माता दोनों राजी हो गए। उन्होंने झट से बेटे को नीचे उतार दिया और बेटे का विवाह हो गया। अब तो साहूकारनी ने 2.5 मन को तिलकुट्टा बनाकर भगवान के भोग लगा दिया। साहूकारनी बोली, हे ज्योत माता, तेरा आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर पर आ गए हैं, अब मैं सदा ही तेरा व्रत और तिलकुट्टा करूंगी। सारे गांव में यह बता दिया कि सब कोई सुहागन स्त्री तिलकुट्टा करके ज्योत माई को व्रत करते हैं। हे ज्योत माई, जैसे तूने साहूकारनी के बेटे बहू मिलाए वैसे ही तू सबके साथ करना। कहते हुए को, सुनते हुए को और हुकारा भरते हुए को सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। और इस कहानी के कहने के पश्चात एक गणेश जी की कहानी को अवश्य कहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।